गाइस यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा अपडेट आया है साइंस को लेकर, सीबीएसई का जो क्लास 10th का साइंस है उसको लेकर। जो हम लोग का अभी टर्म वन टर्म टू होने वाला था उसमें हमें चैप्टर्स नहीं पता थे कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं कौन से नहीं, लेकिन अभी सीबीएसई ने अभी जस्ट अपलोड किया है और उसी टाइम पे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो देखो यूनिट वन में टर्म वन में हमको क्या होने वाला है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसके बाद सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन होने वाले हैं आपको टर्म वन में केमिस्ट्री से। और बायोलॉजी से सिर्फ होगा आपको सिक्स चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, और साथ ही साथ और फिजिक्स से होगा चैप्टर नंबर 10 और 11। मतलब कि चैप्टर नंबर टेन है हमारा रिफ्रैक्शन वाला, और उसके बाद 11 है हमारा ह्यूमन आया। और यूनिट टू में देखो, और इसमें आप यूनिट टू में देख सकते हो केमिकल सब्सटेंस। देखो इसमें चैप्टर 4, 5 ये दो ही आने वाले टर्म टू में, मतलब कि आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिर्फ केमिस्ट्री के लिए दो चैप्टर है टर्म टू में, उसके बाद बायो के लिए 8th और 9th ये दो चैप्टर है, और उसके बाद फिजिक्स के लिए 12 और 13 और एक 15 यही सब आने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर ओमिट किए गए हैं, मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो नहीं आने वाला है। और देखो आप देख सकते हो केमिस्ट्री में देखो 4 और 5 आएगा, बायोलॉजी में देखो सिर्फ 8, 9 और 15 यही तीन चैप्टर आने वाले हैं, और उसके बाद फिजिक्स में 12 और 13। मतलब कितना इजी हो गया है कि सिर्फ दो दो चैप्टर आएंगे अभी हर सब्जेक्ट के। तो ये है हमारा पूरा साइंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ गया कि टर्म वन और टर्म टू में कैसे इवोल्यूशन होगा, कैसे हमें मार्क्स मिलेंगे, और साथ ही साथ जो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट से वो आपको खुद कलेक्ट करने पड़ेंगे 10-10 करके टर्म वन और टर्म टू का। तो उसके लिए आपको खुद रहना पड़ेगा क्लास में अच्छे से शांत, और बाकी का 80 मार्क्स आपको थ्योरी का मिलेगा, और टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पता चल गया कि जो क्लास 10 साइंस का जो हम लोग का टर्म 1 टर्म 2 का कैसे होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।